बेहद बड़ी खबर बता दें, लालजी टंडन की हालत नाजुक है। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन की हालत नाजुक बताई जा रही है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है। लखनऊ में लालजी टंडन भर्ती है, वहां पर उनका इलाज जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकांक्षा हमारे साथ जुड़ रही हैं। आकांक्षा, मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन की हालत जो है वो लगातार गंभीर बनी हुई है, फिलहाल क्या अपडेट है उनकी हालत पे? बिल्कुल देखिए रिश्ता, राज्यपाल लालजी टंडन की हालत जो है वो बीते समय से काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए वो लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए लखनऊ गए थे। क्योंकि इलाज उनका यहाँ भी होता था, लेकिन कोरोना जो है वो भोपाल में काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इलाज के लिए नहीं जा पाए थे, तो वो लखनऊ गए। अब बीते समय से वो लखनऊ के मेदांता में एडमिट है और 2 से 3 दिन से उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। बता दें कि देखिए जो मेदांता अस्पताल की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है उसमें उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, साथ ही एक क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स की टीम है जो उनकी लगातार निगरानी कर रही है ताकि उनकी हालत में थोड़ा सुधार आ पाए। लेकिन हालत इतनी ज्यादा नाजुक बनी हुई है कि हालत में कोई ज्यादा खास सुधार नहीं देखा जा रहा। देखिए कल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित जितने बड़े नेता हैं, चाहे उसमें प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो या अन्य नेता, वो भी कल राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करने गए थे और सभी ने यही उम्मीद कि जल्द ही जो राज्यपाल है वो स्वस्थ होकर भोपाल लौटेंगे। जी बिल्कुल, हम भी यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी सेहत पे सुधार हो। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबियत नासाज चल रही थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर लगातार उनकी सेहत पर निगरानी रखी जा रही है। हालांकि स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, उनकी तबियत लगातार वैसी ही बनी हुई है और वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया है।